आज छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्य देव को पहला अर्घ दिया गया। सनातन धर्म में छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है। इसे संतान प्राप्ति उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक शुद्ध षष्ठी के बनाए जाने इस पर्व की शुरुआत 8 नवंबर से हुई है। आज 10 नवंबर को इसका तीसरा दिन है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाला यह महापर्व 4 दिन चलता है। इसका समापन सप्तमी को सुबह भगवान सूर्य के दूसरे अर्घ के साथ होता है। इसी के चलते आज वरिष्ठ सीए दिलीप कुमार सिंह के आवास पर भी छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके परिवारजनों द्वारा आज तीसरे दिन सूर्य देव को पहला अर्घ दिया गया, साथ ही प्रसाद भी बनाया गया। निर्जला व्रत रखकर छठ पूजा करने वाले व्रतियों ने दूसरे दिन खरना पर शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद ग्रहण किया और वहीं आज तीसरे दिन सूर्य देव को पहला अर्घ अर्पित किया गया। साथ ही साथ इंदानगर निवासी रंजू सिंह के आवास में भी आज तीसरे दिन सूर्य भगवान को पहला अर्घ अर्पित किया गया, जिसमें वहां पे उपस्थित सभी द्वारा पूजन अर्चन में भाग लिया गया। हम आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देवता की बहन है। इस त्योहार के दौरान लोग सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। त्योहारों के दौरान पूरा परिवार साथ में सूर्य देव की पूजन प्रार्थना करता है। महिला 36 घंटे निर्जला व्रत रखती है और संतान की समृद्धि दीर्घायु की कामना के लिए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करती है। पहला दिन नहाए खाए कार्तिक शुद्ध चतुर्थी से व्रत शुरू हुआ है। इसी दिन व्रती स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं। दूसरे दिन खरना कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना कहते हैं। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को व्रती गुड़ से बनी खीर और रोटी का भोजन करती हैं। वहीं तीसरे दिन छठ पूजा बनता है। टोकरी की पूजा कर व्रती अर्घ देने तालाब नदी या घाट पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। वहीं चौथे दिन सप्तमी को सूर्योदय पर विधिवत पूजा का प्रसाद बांटा जाता है। इसी के चलते आज विभिन्न जगह पर छठ पूजा का तीसरा दिन मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। सेवन के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम के साथ। जाओ तुम बेटा उधर जाओ।